कोलवा इगर्जे वाठारातले कुकी क्लिनिक आणि फार्मासी चलोवपी दोतोराकडे परवानो नाशिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी बंद करपाची मागणी केल्या. काही दीस पयली दोतोराकडल्यान उपचार घेतिल्ल्या एका दुयेंतीक मरण आयले. तशेंच पयली अश्यो साबार घडणुको घडल्यात अशें थळावे सांगतात. हो दोतोर बेकायदेशीर रितीन क्लिनिक आणि फार्मासी चलयता असो आरोप थळाव्यांनी केला. ते लेबर क्लास आणि डॉक्टर इज टार्गेटिंग मोस्टली लेबर क्लास पीपल बिकॉज दे डोंट नो एनीथिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डॉक्टर नाउ बिकॉज ऑफ दिस केस वी हैव कम टू नो शी डजंट हैव अ प्रॉपर लाइसेंस. शी इज सम आयुर्वेदिक डॉक्टर एंड आई वॉन्ट नो हाउ शी इज ऑपरेटिंग दिस प्लेस विदाउट हैविंग प्रॉपर लाइसेंस. सेकेंडली वेन शी केम विद अ हजबंड ओवर हियर शी वॉज इंजेक्टेड. आफ्टर शी इंजेक्टेड द हजबंड just left his life over here only. And how did she call a private ambulance? She should be calling 108. And thirdly, after taking the dead body in the mother care hospital from here, they are giving her ECG and some injections. Can you do this to a dead body and charging these labor class people with 6,000 rupees for nothing? Proper action should be taken against this doctor. First of all, she's done too many crimes, operating without proper medical certificate. Secondly, she has murdered her husband, almost murdered her husband. And I hope proper action will be taken as soon as possible. मेरा पति तो कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ बुखार और पेट थोड़ा दुख रहा था. उसके बाद मैंने ये डॉक्टर के पास आया. डॉक्टर के पास आने के बाद वो बोला, मैं बोला उसको जो इधर पेट दुख रहा है थोड़ा ठंडी लग के बुखार आया. बाद में बोला ठीक है, बीपी चेक किया, सिर्फ बीपी ही चेक किया. बाद में बोला पूरा बीपी लो है. बाद में बोला ठीक है, मैं एक सुई देता हूँ पेट दर्द का. उसके बाद फिर पेट दर्द का सुई दिया. उसके बाद दवाई जो था वो भी दिया. उसके बाद मैं बोला कल ग्लूकोज आके 9 बजे चढ़ाओ. फिर क्या बोला जाने टाइम, नहीं रुको एक सुई और देते हैं, बीपी कम है ना तो विटामिन का सुई देंगे तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, रात भर अच्छे से रहेगा. तो फिर वो विटामिन का सुई दिया. बस 5 मिनट के बाद ही वो सांस तोड़ दिया उधर ही छटपट आ करके. फिर बाद में मैं गया उधर हेल्प मांगने के लिए. बाद में क्या क्या लोग कम एम्बुलेंस को फोन करके वो बुलाया. बुलाने के बाद वो मरा हुआ पति को मेरे को उधर भेज दिया. भेजने के बाद वो मैं आया तो गाड़ी में उसको लेके जा रहा था. मैं बोला मैं भी जाएगा. इधर दवा था, वो दवा लेने को आया. तब तक मैं ऐसा किया, तब तक वो चला गया. मेरा पति ने उसको लेके चला गया. बोला जाओ मैं फंस जाएगा, मैं फंस जाएगा. लेके चला गया. मेरा 3 बच्चा है, वो बच्चा को मेरे को कौन देखेगा. विडो इलेदे आणि इंजेक्शन गेले. इंजेक्शन गेले आणि ती बाबडी धावून धावून येईली. ती धावून धावून दूर पर यायची. दीदी आपण आपण गोवा हेल्प पोस्ट तिथं ते डॉक्टरांनी इंजेक्शन मला आणि तो सगळं सिंधाम बाई. सो हाय सांगले राव हांव तू मॅडमी फोन मारता आणि आम्ही या. सो त्याका हांवें जालें बेगीन वॉस न्हू. ती म्हणपाक लागले म्हाका पयलें ऑलरेडी एम्बुलंस बी आपयले. एम्बुलंस तेका म्हळ्यार येयले. एम्बुलंस येयले आनी तेका एम्बुलंसान गायलो आनी ते ऑलरेडी हिंगा पावले. एम्बुलंसान घान तेका वयलो तरी पूण तेणें देर धाडायले. एम्बुलंस तेका तसोच रावना. हे तुकी क्लिनीक आनी इवन द फार्मासी म्हाका दोनीय नाका. कित्याक एज पयलेय बी जायते इन्सिडंट जालो आहाय. जायती जावं केसीओ येयलो आहा आनी हांवें आयकलोले आहाय. आज गोळे तेंकां हाल गोळे आमकांय आसतले कितू जाणां खबर ना. So better, I want this cookie care clinic and pharmacy to be shut down.